भाई एक सेकंड रुक रुक रुक, क्या है भाई? ये जो गाना है ना भाई की पसंद का है, भाई गाएंगे। गाना गाना था तुम्हारे भाई को? हाँ, क्या बोला, मजाक कर रहा है क्या? बैंड बोर्ड के नीचे भेजू क्या तेरे को? हाँ बोलो। आज हमारे बीच और एक खूबसूरत से सिंगर है जिनका नाम है मियां भाई। उनको देख के ये नहीं लगता कि वो कुछ गा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा गीत आपके सामने पेश करेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं उनके पट्टे। आइए देखते हैं। गाना मुश्किल है, गा लेते हैं। तेरी उम्र उतनी नहीं है जितना मेरे को संगीत का तजुर्बा है, समझा? तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं दिख रहा। नहीं रे, सुर बराबर नहीं लग रहे। अरे नहीं भाई, आपके गले में सरस्वती है। बस एक बार उस्ताद बंदे अली खान के चार पांच सुर आपके गले में उतर जाए, फिर देखिएगा आवाज का उतार चढ़ाव भी आ जाएगा। चुप बैठ रहे खोटे सिक्के, खाली दो महीने से फिरा रहा उस्ताद बंदे अली खान, बंदे अली खान मिला रहा ना कर रहा। ऐसा क्या, अभी टाइम फिक्स करता हूँ ना भाई। भाई ये सेट के बाद क्या था भाई? तेरा मुंडा आता। उस्ताद जी आपसे मिलना है। दो दिन में मिलेंगे मियां, जरा मकान शिफ्ट करो बेटे। फिर मकान का किराया नहीं दिया शायद। आप कहाँ लिए मकान? भारत नगर में शिफ्ट हो रहा हूँ। भारत नगर में? अरे वहीं से तो हम लोग रहते हैं, वहाँ किसके वहाँ उतरे? अरे वो बशीर भाई कहते पहचानता उनको, उनके ही घर में उतर रहा हूँ। अरे उन्हें पहचानता, उन्हें हमारे बाजू में रहते, फिर तो रोज मिलेंगे। ठीक है भाई, भगवान आप पर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अपने बाजू में रहने के लिए आ रहे। भाई मुंडे के बाद क्या था भाई? ये आता है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। जरा चिल्ला कम लगाओ मियां। भाई ये सुरैया की क्या आवाज है ना? नहीं मालूम तो हिंदी की चिंदी नको कर। अलका याग्निक के गाने को सुरैया याग्निक बोल रहा। खामोश बैठ, मान दे मियां, चलता हूँ। साजिद प्लीज मेरे से ना ये नेहा टाइप के गाने नक्को गवाओ प्लीज, ये आइटम वाइटम सॉन्ग्स। ऐसा एक काम करेंगे, कौन सा गाना है वो? चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, वो गाना गा लेंगे और हमला तुम्हारे हाथों पे क्या होगा चुस्ते। क्या बोलेंगे यार, अपना हिसाब भी बोर्ची कैसा है, जो खाना बोलो पकाना पड़ता क्या? अरे मियां एड्रेस तो सही है ना, पिंडा कोई भी नहीं देख रहे यहाँ। एड्रेस तो सही है साहब, ये डेट। अरे एक बार के लिए अपने माँ और बाप का नाम भूल सकते, लेकिन गुत्ते की डेट और एड्रेस कभी नहीं भूल सकते। 100% यही छह एड्रेस है बॉस। हमारे क्या नाम बाबा, गुमनाम बादशाह। हेलो, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं मालूम तुम लोगों को क्या हुआ सो? क्या हुआ? हाँ इंतकाल हो गया ना लोगों के पास। कोई भरे कोई, अब उनके घर का कोई मर गया तो हम क्या करना? ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे पूरे एक साथ लेने का। देखा मरने वाला मर गया, एक दिन हमारा भी खराब कर गया। जर्रा थेर पार्टी को फोन तो मिलेंगे। स्पीकर पे डाले भाई। हेलो खान साहब, क्या हुआ? दावत में तो बुला लिए मगर यहाँ फंक्शनल में आके देखे तो हू का आलम है। कहाँ बजाना है? क्या रे तुम ना पेपर नहीं पढ़ते, हमारे दादा का इंतकाल हो गया बोल के वलीमा कैंसिल कर दिए। ये बहुत अफसोस की बात है खान साहब, आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलता हूँ, ऐसे मौकों के लिए भी बहुत अच्छे गाने हमारे पास। कौन सा गाना है? हम छोड़ छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। अच्छा ना दिखा क्या? हमारे दादा की मैयत पे ऑर्केस्ट्रा रखने का आइडिया दे रहा हमारे को। चलो अच्छा है, आज मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, मैं घर जाके आराम कर। यही चाह रहे थे तुम? चलो आज अपन दूसरी जगह बजाएंगे। यार ऐसा खुश हो रहे, बजा बजा के थकते नहीं तुम लोग? ऑर्केस्ट्रा में अपना गाना शुरू होते ही सबकी आवाज फीके पड़ गए। भाई हा? मैं एक किताब लिखा, किताब का नाम है घड़ी की आवाज। देखा मियां
दो दिन हुआ एबीसीडी सीख के, किताब लिख दिया, तेरे को तो एबीसीडी भी नहीं आती। घड़ी की आवाज, टाइटल तो जबरदस्त लिखा मिया। टिक 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 टिक। अरे क्या है रे टिक 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 टिक? हाँ भाई, घड़ी टिक टिक ही करती ना खाली। आ अरे बीच में घंटा भी रहता रे, पकड़िए भाई। आपकी जय पड़दा रही। पूरी खा रहा था मैं तो रस्ते से जा रहा था। शट अप, मुझे इस टाइप की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अरे महफिल की शमा इस तरह परवानों से बेरुखी जताएंगी तो जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहां जाए। अरे भाई उस्ताद की क्लास का टाइम हो गया। अरे चलो मियां कपड़े चेंज करके निकल जाएंगे। हाँ भाई, नहीं तो बुड्ढा पुकार लेता। चलो पहले दिन लेट हो गए बल्कि।